ना दें और इसको विड्रॉ करें, तो आप इसको विड्रॉ करेंगे? देखिए, हम उनसे पॉइंट ये है कि एग्जेम्पशंस जितनी हमने दी हैं वो ऐसी कोई एग्जेम्पशन नहीं है जो कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव जो हमारा है, वेल थॉट आउट. हमने एग्जेम्पशन किसको दिया? हमने दिया है एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन का जो पैकेज है हमारा, रिफॉर्म पैकेज. हमने एग्जेम्पशन दिया है इनकम टैक्स के सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए. हम समझते ही हैं कि हम उनसे गिवन द स्टेट ऑफ द इकॉनमी के पिछले इस साल जो एंड ख़त्म हो रहा है, हमारा ग्रोथ रेट जो है वो खुद जानती है IMF कि हमारा ग्रोथ रेट 0.03% के करीब रहा है. हमें इकॉनमी को आगे बढ़ाना है. ये बड़ा मुल्क है, इसको आगे जब तक आप नहीं बढ़ाएंगे तो आप कहाँ से टैक्स मोबिलाइज करेंगे? तो इसको फॉरवर्ड ले जाने के लिए हमें इंसेंटिव्स देने हैं. ये IMF से हम बताएंगे और हमें कभी उम्मीद है कि हम उनको कन्विंस भी कर पाएंगे डिलिब्रेशंस में, डिटेल में, कि ये इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत है, हमें ये करना है, ग्रोथ बढ़ानी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है. देखिए, IMF के MD खुद ही कह रही हैं कि पॉवर्टी की इंक्रीज एक बहुत बड़ा इशू है. पॉवर्टी इंक्रीज उस वक्त होती है जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है रिसेशन की वजह से. हमें रिसेशन ख़त्म करना है, ग्रोथ रेट बढ़ानी है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है, पॉवर्टी कम करनी है. ये बेसिक गोल्स IMF के भी हैं, हमारे अपने हैं. ये बजट में जितने आप इसमें पेशरफ देखेंगे और जितने आप इंसेंटिव्स इसमें देखेंगे वो इन्हीं मकासद को हासिल कर लेंगे. एक्सपेंडिचर हो गया हमारे बाहर और ममालिक भी ऐसे हैं, हम हमारे रीजन में देखें जिन्होंने समझा कि पेंशन रिफॉर्म उनके लिए बहुत ज़रूरी था. ये एरिया ऐसा है कि जिसको हमें देखना लाजम है. ये लाइबिलिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और अगर आप एक्चुअरियन कैलकुलेशंस कराएं कि टोटल कितनी लाइबिलिटी होगी तो ये सस्टेनेबल नहीं रख रहा. इस तरफ हमें ज़रूर पढ़ना है. हम देखें एज ए नेशन वो मेजर्स हमें लेने चाहिए जो हमारे लिए किसी भी फोरम पे हम ये चीज नहीं करेंगे. अभी तक हम ये टेबल पे भी नहीं आए कि हम सोचें. जब हम ये कहते हैं हम लोगों के पास जाएंगे तो मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर से का मकसद ये होगा. उसमें देखें, जब हमने गवर्नमेंट आई थी तो हमने कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए थे IMF प्रोग्राम रिस्टोर करने के लिए. वो तकलीफ दे प्रोग्राम थे, उसमें हमने सब्सिडीज हटाई थी, हमने एनर्जी सेक्टर और अब गैस सेक्टर को हम रिफॉर्म कर रहे. पेन तो था ना लोगों पे, ज़रा उसका बर्डन तो बढ़ा. तो जब हम कह रहे हैं कि हम लोगों के पास जाएंगे, मकसद ये है कि मुल्क हमारा है, आपने हमने मिलके तय करना है किस जाने पढ़ना है. कुछ दर्द पेन आपने उठाना है अपनी, जो आप जिस हद तक उठा सकते हैं. कुछ गवर्नमेंट ने पॉलिसीज इम्प्रूव करनी है तो वी हैव टू डिलिबरेट. हम साथ बैठेंगे, उस पर मेजर्स लेंगे. कुछ पेनफुल होंगे, कुछ कम पेनफुल होंगे. हम ये हमारी मकसद ही होगा कि आम आदमी को कम अज़ कम पेन दें. लेकिन वो मेजर्स ऐसे तो होंगे ना कि जिसपे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहिए होगा. तो जब सब मिलके हम ये नहीं समझेंगे कि हमें पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग सोवरेन नेशन बनाना है जो इकोनॉमिकली स्टेबल हो, तो बात आगे नहीं बढ़ेगी. एक्सपेंडिचर हो गया हमारे बाहर और ममालिक भी ऐसे हैं, हम हमारे रीजन में देखें जिन्होंने समझा कि पेंशन रिफॉर्म उनके लिए बहुत ज़रूरी था. ये एरिया ऐसा है कि जिसको हमें देखना लाजम है. ये लाइबिलिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और अगर आप एक्चुअरियन कैलकुलेशंस कराएं कि टोटल कितनी लाइबिलिटी होगी तो ये सस्टेनेबल नहीं रख रहा. इस तरफ हमें ज़रूर पढ़ना है. हम देखें एज ए नेशन वो मेजर्स हमें लेने चाहिए जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, बट ऐसे कोई मेजर का भी मुझे इल्म नहीं है.